हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, दिस इज योर वंडर जो। तो भाई एक बार फिर से एक कंपैरिजन लेके आए हैं। कंपैरिजन इस बार थोड़ा सा अलग है, ताकि हम सीट हाइट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये दोनों बाइक्स मेरे साथ अवेलेबल है। एक तरफ है आरी की हिमालयन 450, वहीं दूसरी तरफ है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। तो ये दोनों बाइक्स इस समय मेरे पास अवेलेबल है। इन दोनों का सीट हाइट टेस्ट हम करेंगे। इसकी जो सीट हाइट आ जाती है वो आती है 835mm की, और जो हमारी हिमालयन है 450 उसमें आती है एक एडजस्टेबल सीट हाइट जो कि है 825mm से लेके 845 तक। अभी ये एक स्टैंडर्ड सीट हाइट है जो कि 825mm पे है। तो दोनों भाई मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आता है, उसको मैं एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा। बात कर लेता हूँ भाई कि मेरी हाइट है 5'11". एक बार हम एक मेरी हाइट से थोड़े कम छोटी हाइट वाले बंदे को भी लेके आएंगे, जिसकी हाइट होगी कहीं ना कहीं 5'9". तो उस दोनों लोग बैठ के दिखाएंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या बाइक कितनी नहीं झुक रही है, क्या हमारा पैर कितना उठ रहा है, सारी चीज़ें इस चीज़ में लेके चलते हैं। भाई अब शुरू कर लेते हैं सीट हाइट कंपैरिजन। तो भाई सबसे पहले अपनी हिमालयन से ही शुरू करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड सीट हाइट पे है। तो ये है 825mm की सीट हाइट। मैं इस पर आपको बैठ के दिखाता हूँ, मेरी हाइट है 5'11", और आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना इस पर ईजी बैठ सकता हूँ। तो भाई अभी मैं एक अच्छे सेटअप पे हूँ, एक अच्छे गेटअप में हूँ। तो देख सकते हो मैंने बूट्स पहने हुए हैं। बूट्स हमेशा पहनने चाहिए। अगर मैं बूट्स नहीं भी पहनता हूँ तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मेरा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरा पैर इतना उठता है, लेकिन अभी मैंने बूट्स पहने हुए हैं तो मेरा पैर पूरा आ रहा है। बैंड देख सकते हो बहुत ही कम है यहाँ पे, ताकि एक स्टैंडर्ड सीट हाइट है 825mm की। बात कर लूँ पोस्चर की, भाई पोस्चर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ऊँचा है या बहुत नीचा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। बात कर लेता हूँ इसका जो स्पेस है भाई, तो स्पेस यहाँ पे बहुत सारा है। एक जो टी यहाँ पे बन के आ रहा है भाई, वो बहुत अच्छा फील देता है। यहाँ पे आराम से आपके पैर एडजस्ट हो जाते हैं, कॉर्नरिंग करने में बहुत इजी हो जाता है एक स्टैंडर्ड सीट हाइट को लेके। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया इसमें मेरा कितना बैंड आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे आके, तो 835mm की सीट हाइट मिल जाती है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में। इसमें एक बार बैठ के दिखाते हैं, देखते हैं मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या नहीं, और कितना डिफरेंस आता है 10mm में। तो भाई यहाँ मैंने स्टैंड हटा लिया है। बात कर लेता हूँ अभी मैं बिल्कुल आगे होके बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे पैर बिल्कुल पूरे आ रहे हैं, ताकि बूट्स की वजह से। अगर मैं बूट्स नहीं पहनता हूँ तो मेरे पैर इतने आप देख सकते हो ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं बूट्स नहीं पहनता हूँ, नॉर्मल शूज़ स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ, तो मेरे पैर इतने पीछे से उठते हैं। तो वो जेन्युइन है भाई, 10mm की सीट हाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो अभी इसमें ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है। स्टैंडर्ड सीट हाइट जो इसकी भी है बहुत अच्छी फील हो रही है। प्लस अगर आपकी हाइट 5'11" है तो आप इस पर आराम से बैठ सकते हो। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके स्पेस की, तो यहाँ पे जो वी है वो थोड़ा सा ब्रॉड है भाई, ताकि उसमें थोड़ा सा आप देखोगे टी ऐसे वी बन रहा था बिल्कुल शार्प, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड है, जिसकी वजह से पैर थोड़े से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल पैर आपके यहाँ पे अंदर आ जाते थे। बात कर लूँ कॉर्नरिंग करने की, यार कोई भी चीज़ अगर आप साइड्स भी ले रहे हैं तो भाई उसमें थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी करने में। वहीं पे जो हमारी हिमालयन है उस पे करने की कोशिश मत करना, अगर ज़्यादा झुकाई तो झुक जाओगे और लेट जाओगे। तो अगर गिर रही है तो गिरने ही देना, कोई कोशिश मत करना। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सीट हाइट काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पे एक कम हाइट वाला जैसे 5'6", 5'7", 5'8", 5'9" तक जो बंदे बैठेंगे, उनके पैर इतने उठेंगे इतने, तो वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। जो बंदा है वो आएगा वीडियो में, आपको बताएगा। और बात कर लेता हूँ एक बार मैं उस पर बैठ के उसकी 845mm की सीट हाइट को लेके, तो इसको मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ 845 पे। तो भाई सबसे पहले बैक वाली सीट हम यहाँ पे हटा के रख देंगे। बात कर लेता हूँ ये सीट हाइट एडजस्ट कैसे होती है। तो भाई सीट हाइट के लिए यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। ये अभी एक स्टैंडर्ड सीट हाइट है 825mm की, यहाँ पे इसे आप हटाओगे यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देंगे, और यहाँ पे दूसरा भी इसका जो ये है इसे एडजस्ट कर देंगे। अब ये एक 845mm की सीट हाइट पे आ चुकी है। बात कर लेता हूँ इसे यहाँ पे आराम से मैंने फिक्स कर दिया है। तो भाई ये आ चुकी है एक 845mm की सीट हाइट पर, जो एडजस्ट करी है हमने अभी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ उस पर बैठ के कि क्या डिफरेंस आता है 825 पे या 845 पे। तो 825 का डिफरेंस तो पता ही लग गया होगा, 845 पे आ जाते हैं भाई। तो अभी भी देख रहे हो 20mm जो बड़ा है भाई, उसमें डिफरेंस देखो बूट्स का। अगर मैं थोड़ा आगे होके बैठता हूँ तो मेरे पैर पूरे आ जाएंगे, लेकिन जो एक अच्छी सीटिंग पोजिशन है थोड़ी सी पीछे होके, उसमें मेरे पैर थोड़े से ऊपर रहेंगे। तो यही डिफरेंस आ जाता है। बाकी अभी भी पोस्चर बहुत सही है, और अब थोड़ा ऊपर फील हो रहा है, अच्छी पोजीशन लग रही है, एकदम एडवेंचर वाली फील आ रही है। अभी चलाता हूँ और चला जाता हूँ एडवेंचर करने। तो ये तो हो गई 845mm की सीट हाइट की बात, और अब बुला लेते हैं बंदे को जो आपको बैठ के दिखाएगा इस बाइक पे। पहले मैं तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं अभिषेक भाई, जिनकी हाइट है 5'9", तो मेरे इसे देख सकते हो कहाँ लग रहा है। तो भाई मेरी हाइट है 5'11", इनकी है 5'9", उन्होंने पहने हुए हैं एक स्पोर्ट्स शूज टाइप। तो
यहाँ पे उन्हें बैठाते हैं। सबसे पहले ट्राइम से शुरू करते हैं जिसकी सीट हाइट है 835 mm। तो अभिषेक भाई एक बार बैठ के दिखाओ ऑडियंस को कि कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि 835 mm की सीट हाइट पे अभिषेक भाई बैठ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पैर इनका पूरा आ रहा है, बैंड भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाई इस साइड आके आप जल्दी से दिखा दो भाई, इधर से आके दिखा देते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि 835 mm की सीट हाइट थोड़ी तो ऊपर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप आ रहा है इनके फुट पे। तो ये तो हो गई 835 mm ट्राइम्स कैमरा की बात जो हमारे अभिषेक भाई ने करके दिखा दिया। अब अभिषेक भाई बैठ के दिखाएंगे मेरी हिमालयन पे जिसकी सीट हाइट है अभी 845 mm। तो 845 mm पे अभिषेक भाई बैठेंगे, तो 835 पे देख लिया तो बाइक पकड़नी पड़ेगी। तो हाँ ठीक है, तो भाई बैठ चुके हैं और यहाँ देख लेते हैं अपनी राइडिंग पोजीशन में बैठ जाओ अच्छे से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी गैप थोड़ा सा है, अभी उन्होंने थोड़ा आगे होके बैठे हैं तो बिल्कुल सही यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे बैंड, यहाँ पे पैर इनका बिल्कुल स्ट्रेट है। बात कर लेते हैं इधर आके, तो भाई इधर से आके देखोगे तो यहाँ पे बैंड उससे 835 mm 10 mm में देखो कितना फ़र्क आ जाता है, कितना पैर भाई का उठ रहा है यहाँ पे, पूरा कम से कम 4 उंगलियों से भी ज़्यादा का एक गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई 845 mm सीट हाइट की बात जो हिमालयन में हमने एडजस्ट करी है। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे 825 स्टैंडर्ड सीट हाइट पे और फिर से अभिषेक भाई बैठ के दिखाएंगे, और 2 मिनट रुको आप। तो भाई यहाँ पे सीट हाइट मैंने एडजस्ट कर दी है, तो एक स्टैंडर्ड सीट हाइट 825 mm की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभिषेक भाई जल्दी से आके बैठ के हमें दिखा दो हमारे ऑडियंस को कि 825 पे आपको कैसा राइडिंग पोस्चर मिल रहा है, क्या आपके पैर बिल्कुल सही से आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पोस्चर में बैठ के यहाँ पे इनका पैर पूरा आ चुका है, इस साइड से पहले भी आ रहा था लेकिन उस साइड से पता लगेगा नीचे। तो भाई यहाँ पे भी आके देख सकते हो, तो भाई बिल्कुल बैंड बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिल्कुल इनका पैर फ्लैट फुट हो चुका है। तो भाई राइडिंग पोस्चर बिल्कुल सही है अभिषेक भाई, बिल्कुल सही लग रहा है, अपराइट पोजीशन भी सही लग रही है भाई, सारी चीज़ें भाई को सही लग रही है। आ जाओ भाई, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आइए। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिला कि 825 mm, 835 mm, 845 mm तीनों में कितना डिफरेंस आ जाता है, हर 10 mm में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो भाई यही चीज़ हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बैठ के दिखाया एक 511 हाइट के बंदे ने, एक 59 हाइट के बंदे ने, तो दोनों ही चीज़ें आपको पता लग गई होगी। तो वाइजली अपनी बाइक को चूज़ करना, जिसमें आपके पैर पूरे पहुँच रहे वही बाइक चूज़ करना, अगर इतना भी उठ रहा है तो चूज़ मत करना। यही थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन आई सी यू गाइस सून, टेक केयर, वियर हेलमेट ऑलवेज, कीप राइडिंग, सेफ राइडिंग, एंड आई सी यू गाइस सून, बाय बाय।